रैंडम कॉइन मारा बोलते ही ये ताई मला म्हणते की रैंडम कॉइन मारायची ऑथॉरिटी दिली आता बोलली विचारा रैंडम विचारा रैंडम विचारा ते माणूस उभे आहे आम्ही रैंडम कॉइन मारणार आम्हाला ऑथॉरिटी दिली आहे सर बाहेरचे आहेत ना रिकामे जाऊ द्या पण सब लॉक करून टाका काही करा ना सर ब्लॉक करायला सगळं बरोबर आहे सर तुम्ही आता एक मिनिट पहिल्यांदा काय सहकारी करू बघा जायला पाहिजे का असं तुमचं मत आहे का नाही आमचं मत नाही इथून जायला पण नाही पाहिजे आमचं मत चौकशी घ्यायला पण नाही पाहिजे बाहेरच्या रिक्षात ना बाहेरच्या रिक्षात ना सोडायला येतात ना अवेलेबिलिटी करणार का एक माणूस उभा राहणार तुमच्या इथे नाही नाही चार दिवस होतं ते नाही होणार चार दिवस होतं ते मार्केटला नाही संपूर्ण मी बोलतोय नाही होणार पोलीस स्टेशन मध्ये आणता येतो पोलीस स्टेशन मध्ये बाहेर म्हणजे तो आम्हाला मारणार त्याच्यानंतर तुमची जिम्मेदारी संपणार बघा भाडं घेऊन चालला बघा रिक्षा स्टँड आहे बघा तुम्ही फाय मारायला इथून बंद करा हे सांगू दे ना आपण कॉमन मॅन आहे काढू शकतो पोलिसांना सांगता इकडे की मी त्यांचा व्हिडिओ काढते म्हणजे त्याने फोन केला आहे त्यांच्या पोलीस डिपार्टमेंटला की मी व्हिडिओ काढते त्यांचा माझा हा हक्क आहे मी काढू शकतो ओके या मॅडम सांगतात पोलिसांना की मी त्यांचा व्हिडिओ काढते कोणाला तरी फोन केला त्यांनी पोलीस डिपार्टमेंटला हा माझा हक्क आहे मी काढू शकते प्रेशर रहेगा की मंथ एंड इयर एंड करना है पैसा लाव गव्हर्नमेंटने उनको बोला रहेगा उनके साहब ने इसलिए किती किती ते ट्रॅफिक आहे बघा आणि ते पोलीसवाले इकडे ते चलान मारतात ऑटो ड्रायव्हर्सला काही फायदा नाही ताई व्हिडिओ काढून हे उद्या पण येणार त्याचे विषय नाही भरले तर तरी पण ते तिथेच येणार आणि आपण झटत राहणार तिकडे पण आपण फक्त भांडत राहणार तेच तेच होत आहे ना नाही नाही वहा पे वो लोग बिना कारण खडे आहे और ऑटो वालों के चलान मार रहे किस बात का चलान मार रहे पता नहीं ऑटो वालों के हां पाच जास्ती जातो ना 10 मिनिटं लागतील त्यांना तिकडे पूर्ण बॅरिकेडिंग करायला व्यवस्थित केलं ना तर सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित होतात सो हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो और ये आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये भांडुप स्टेशन है और भांडुप स्टेशन पे अभी जो भांडुप में रहते हैं उनको पता है भांडुप स्टेशन वेस्ट साइड का है बेसिकली वहाँ पर कितनी सारी भीड़ रहती है रात के 6 से 7 मतलब 5 बजे से ही भीड़ जो वर्किंग लोग है वो आने का स्टार्ट करते हैं आने के लिए तो भाई वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है और मैंने कभी नहीं हम लोग वहाँ पर कुछ मतलब घर की ग्रॉसरी ये सब कुछ लेने जाते हैं मुझे तुम्हें बोलू सकता कि क्या बोलते हो सब्जी या कुछ शॉपिंग करना है तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो मैंने ज़िंदगी में मतलब अभी तक मुझे 10 साल हो गए भांडुप में रहता हूँ मैंने अभी तक कभी वहाँ पर पुलिस वालों को ट्रैफिक पुलिस वालों को नहीं देखा था बट मैंने उस दिन उन लोग को वहाँ पर देखा और मैंने देखा मैं मतलब जो मेरी वाइफ है शला का वो शॉपिंग कर रही थी
और मैं ऐसे ही देख रहा था, मैंने ये क्या कर रहे, तो मैंने देखा कि वो जो लोग जो ऑटो वाले, बेसिकली ऑटो वाला कौन है भाई, हम आप जैसा एक कॉमन आदमी है भाई जो पैसे कमाने के लिए तीन लोगों को चार लोगों को बिठा के अपना एक 15-20 मिनट का एक राउंड मार के वापस से उधर से आके भाई 100 रुपया कमाता है, 100-120 कमा, आप जैसा और मेरे जैसा एक गरीब आदमी है, और भाई ये लोग उसको चालान कर रहे थे। मैंने बोला किस बात पे चालान कर रहे, मैंने देखने गया, मेरे वो यू टर्न जो लोग घुमा के ले रहे थे, तीन पुलिस वाले थे, दो लेडीज़ थी और एक सर थे, और ऐसे गोल घुमा के जिनको ले रहे थे, और मतलब ऑटो वाले बेसिकली वो लोग को जहाँ पर जाना है भाई, अभी पैसेंजर आप आएंगे गाड़ी में बैठेंगे उनको उधर जाना है, उनको क्या करना है कि मैं आगे से लूँ कि पीछे से लूँ, वो लोग वहाँ पर बिठाए, और वहाँ पर कोई एक रिक्शा स्टैंड नहीं है, और आगे जो एंड अप में है वो एक बस स्टैंड है, और वहाँ पे बस 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा रुके रहती है, तो अगर वो लोग आगे जाएंगे तो आगे जाने के बाद वो यू टर्न लेंगे तो वहाँ पर डबल ट्रैफिक हो जाएगा, मुझे फुल वाहतुक कोंडी होना इन शॉर्ट। और फिर मैं देख रहा, मैं बोला यहाँ पे यू टर्न का कुछ सिस्टम, तर तिकड़े पूर्ण जो वहाँ पर रोड है वो वहाँ पर मतलब आगे जाके यू टर्न नहीं ले सकते, और अगर यू टर्न लेना है तुम पुलिस वालों को इधर आना है तो भाई जो लोग वहाँ पर नीचे सब बैठते हैं, क्या बोलते हैं, सब भाजी बेचने के लिए जो गरीब लोग आते हैं उधर अपना बिजनेस चलाने के लिए, जो पीछे जो शर्ट बट के स्टॉल्स है वो तो सब इलीगल है ना, तो बीएमसी उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है कुछ। मैंने बेसिकली वहाँ पर देखा कि वहाँ वो यू टर्न वालों जो लोग वहाँ से घुमा के ले रहे हैं उनको वो चार्ज कर रहे हैं, तो मैं गया और मैं देखा कि वहाँ पर कोई यू टर्न प्रोहिबिटेड का ऐसा जो बोर्ड रहता है, यू टर्न नहीं लेना चाहिए, यू टर्न इज़ बैन, तो वो यू टर्न प्रोहिबिटेड का कोई बोर्ड है कि नहीं, तो मैं वो देखने गया, तो मैंने बोला ऐसे तो कुछ वहाँ पर बोर्ड नहीं है, तो मैं गया और मुझे पता नहीं था, मैं सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन करने गया, मुझे पता नहीं शलाका मेरा वीडियो ले रही है, तो मैं वहाँ पर गया और मैंने पूछा कि सर आप किस बात का यहाँ पर चालान कर रहे, तो बोल रहे कि हम वाहतुक कोंडी, मतलब ट्रैफिक में आप ट्रैफिक कर रहे हो गोल वहाँ से टर्न लेके, तो हम लोग इसके लिए आपको चालान कर रहे, और किन लोगों को चालान कर रहे हैं वो लोग, जो लोग 100-200 के लिए अपना इतना टाइम पूरा दिन मेहनत करते हैं वो लोग को तुम लोग चालान कर रहे हो, और बेसिकली क्यों चालान कर रहे हो, मैंने तो तुम लोग को यहाँ पर कभी, मैं बोला मैं कभी तुम्हारा इकड़े पायलट है, मैंने आपको कभी यहाँ पर देखा ही नहीं है, आप यहाँ पर ऐसे मतलब क्राउडेड लोकेशन पर आप ऐसा चालान तो कर ही नहीं सकते ना। बट उसके बाद वो सर मतलब ये हो गया, मैंने क्वेश्चन किया, उसके बाद और 2-3 लोग आ गए क्वेश्चन करने के लिए, और वहाँ पर क्राउड जम गया, तो मैंने वहाँ पर क्या सीखा कि भाई आप पहले बनो, आप क्वेश्चन करो, आप उनको क्वेश्चन करो, अगर वो कोई गलत कर रहा है, वो चाहे एक पुलिस वाला हो, पुलिस स्टेशन में कुछ गलत हो, पेट्रोल पंप वाले एम्प्लॉयज़ गलत हो, या फिर ऐसे कहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कुछ गलत चालान चार्ज कर रही है गलत लोगों को, क्योंकि बेसिकली फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग है तो उन लोगों को चालान चार्ज करना पड़ता है, हमें पता है हम सबको कि वो लोग कितना चालान करते हैं, मतलब मार्च एंडिंग आ गई है तो भाई इसके वजह से ही, और किन लोगों को तुम लोग चालान कर रहे हो, गरीब को दिन भर 500 रुपया कमाता है उसको तुम लोग 500 रुपये का चालान कर रहे हो, हाँ, और वो भी कहाँ पर, भांडुप स्टेशन पे जहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है यू टर्न का, और वो ले रहे हैं तो उनको फोटो ले रहे हो, हाँ, और वहाँ पर एक प्रॉपर रिक्शा स्टैंड बनाओ ना, फिर वो बस लोगों को वहाँ पर इतना देर क्यों खड़ा करने रखते हो, अगर आपको आगे जाके यू टर्न है तो वहाँ से, तो भाई सब मतलब एक नंबर के फ्रॉड चालान हो रहे हैं यहाँ पर, अगर ऐसा देखने जाए तो यहाँ पर आपको चालान नहीं करना चाहिए। मैं बोला ठीक है, तो उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है मैं ट्वीट करूँगा MTP को, गलत हो रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पर कभी पुलिस वाले नहीं थे, आज वो मार्च के एंड में कैसे पुलिस वाले वहाँ पर आ रहे हैं, आज मार्च का मंथ चालू होगा तो कैसे आ गए वहाँ पर, तो भाई देखो और सीखो, मतलब आप पहले अगर कुछ आप गलत देख रहे हो तो भाई छोड़ दो वो बोलना कि ये करना कि भाई मेरा क्या है, अगर मैं भी ऐसे सोचने लगा तो फिर वहाँ पर और लोगों के चालान होते और लोग ये करते, मतलब किस बात के चालान ना, सही बात है ना। एक अगर आपने एक मूवी देखी है भावेश जोशी, उसमें एक सॉन्ग है, उसमें एक सॉन्ग में ना एक लाइन है, कसम खाली उसमें लाइन है कि क्यों देखूँ तमाशा मैं दूर से रवैया यही है मेरी कमी, ये हम सबकी कमी है, मतलब आप सोचो अगर मैं वहाँ पर नहीं जाता और ना बोलता तो इतने सब लोग नहीं आते थे उनको बात करने, वो मैंने बोला वहाँ पर बैरिकेडिंग करो, अगर वो गलत है ना तो वो बैरिकेडिंग करो, वो लोग आगे से घूम के आएंगे, सब लोग वही बोल रहे थे कि एक पर्टिकुलर लाइन रखो फिर रिक्शा के लिए ये है वो, लेकिन ये लोग क्या करते, ये लोग हमें गलती करने देते और गलती पे हम लोग को चालान चार्ज करते, मतलब तुम गलती करो हम तुम्हें पहले नहीं समझाएंगे, गलती करो उसके बाद हम तुम्हें, तो
मैंने बोला कि वहाँ पर बैरिगेटिंग लगा दो, तो बैरिगेटिंग नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर एक नामचीन पॉलिटिशियन रहते, तो भाई क्या बोलते हैं वो बैरिगेटिंग नहीं कर सकते, वो लोग वहाँ से आते हैं, उनका आने जाने का रूट है। लेकिन जब आप एक पॉलिटिशियन को नहीं कर सकते लेकिन आप गरीब लोगों को वहाँ पर चालान कर रहे हो, सिंपल है भाई। मतलब ये सब गरीब नहीं करने का, जो आदमी 500 रुपए के लिए दिन भर मेहनत कर रहा है उनको चालान करो, बस क्या है ये। तो आप पूरा वीडियो देखो और आप सब ये वीडियो देखो, ये मुझे पता नहीं था कि वीडियो शूट हो रहा है, शला का वीडियो ले रही है। बाद में मुझे पता चला आधे जब भी शला का वीडियो ले रही थी, तो भाई ऐसा करो एकजुट मिलके आओ, मतलब एक साथ आओ, अगर कोई आ रहा है आगे तो उसके साथ आओ, खुद भी आओ, खुद उनको क्वेश्चन करना सीखो, क्योंकि हमने तो आजकल सब क्वेश्चन करना छोड़ ही दिया है। आप लोग हो, हम लोग हैं जो पॉलिटिशियन से लेके सरकार बनाते हैं, आके क्वेश्चन करो कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है तो उस पर मतलब आवाज़ उठाओ कि क्यों हो रहा है ये, क्यों आप उनको जाके क्वेश्चन करो ये क्यों हो रहा है, आप क्यों कर रहे हो। मैंने भी वही किया, मेरा उधर कुछ काम नहीं था, मैंने बस वो रिक्शा वालों के लिए जाके पूछा कि आप उनको चालान क्यों चार्ज कर रहे हो, यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, आप एक इल्लीगल ऊपर से बोल रहे हैं कि हम लोग रैंडम कौन सा भी चालान चार्ज कर सके, मतलब यार एंड के वजह से, मतलब आप सोचो। वीडियो बगा अनि बगा पूर्ण वीडियो।